दोस्तों स्प्लेंडर सीरीज हीरो मोटोकॉर्प का एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है और हीरो सुपर स्प्लेंडर हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं 2019 हीरो सुपर स्प्लेंडर IBS मॉडल का रिव्यू करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दी बाइकर्स डायरी। वीडियो शुरू करने से पहले बाइकर्स डायरी टीम की तरफ से आप सभी को बेंगोली न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों हीरो होंडा ने 2005 में सुपर स्प्लेंडर बाइक को लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये बाइक अपना रोक जमाया हुआ है। 2014 में हीरो होंडा का सेपरेशन के बाद हीरो खुद इस बाइक का प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहा है। 2019 सुपर स्प्लेंडर का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 59,000 रुपीज। दोस्तों इस बाइक में 124.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजिन दिया जाता है जो 7,000 rpm में मैक्सिमम 9 bhp पावर एंड 4,000 rpm में 10.35 Nm टॉर्क प्रोवाइड करता है। दोस्तों अभी हीरो सुपर स्प्लेंडर में फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी जिसको I3S बोला जाता है वो ऐड कर दिया गया है और इसके वजह से ये बाइक फ्यूल एफिशिएंट हो गया है। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर 70 kmpl माइलेज देता है। दोस्तों इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम का बात करें तो हीरो सुपर स्प्लेंडर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम यानी IBS के साथ आ रहा है। मतलब अगर आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करेंगे तो सामने का ब्रेक भी पार्शियली एंगेज हो जाएगा। आप यहां फ्रंट व्हील में ये दो वायर देख सकते हैं। इस बाइक का दोनों व्हील्स में 130 mm ड्रम ब्रेक दिया गया है। फ्रेम एंड सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक में ड्यूएल क्रैडल फ्रेम का यूज हुआ है एंड इस बाइक का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों इस बाइक का कार्ब वेट है 121 kg। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm एंड सीट हाइट है 785 mm। दोस्तों इस बाइक का दोनों व्हील्स में 2.75x18 साइज का ट्यूब टाइप टायर दिया गया है जो केंडा का है। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर का लुक्स एंड डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे ये बाइक पहले आता था इस बार भी वैसा ही आ रहा है। अभी आप हीरो सुपर स्प्लेंडर का रेड कलर देख रहे हैं। इस बाइक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक के दोनों साइड में सुपर स्प्लेंडर ब्रांडिंग किया गया है। साइड पैनल में हीरो ब्रांडिंग किया गया है। दोस्तों इस बाइक में एक वाइट कंफर्टेबल फ्लैट टाइप सिंगल सीट एंड एक कन्वीनियंट ग्रैब बार भी दिया गया है। दोस्तों हेडलाइट की बात करें तो हीरो सुपर स्प्लेंडर में 35x35W हैलोजन बल्ब वाला हेडलाइट दिया गया है। दोस्तों इस बाइक में क्लियर लेंस वाला इंडिकेटर्स भी दिया गया है लेकिन ये इंडिकेटर्स फ्लेक्सिबल नहीं है। टेल लाइट की बात करें तो इस बाइक में 5x21W बल्ब टाइप टेल लाइट दिया गया है एंड रियर साइड में भी क्लियर लेंस वाला इंडिकेटर दिया गया है। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस बाइक में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। लेफ्ट साइड में न्यूट्रल इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर दिया गया है। मिडिल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर दिया गया है एंड राइट साइड में फ्यूल स्टेटस इंडिकेटर दिया गया है। इसके अलावा इस बाइक में टर्न लाइट इंडिकेटर्स भी दिया गया है। दोस्तों स्विच गियर की बात करें तो लेफ्ट साइड स्विच गियर में पास बीम, हाई लो बीम इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच दिया गया है एंड राइट साइड में इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच एंड I3S ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। दोस्तों अगर आप 125 cc सेगमेंट में रिलायबल फ्यूल एफिशिएंट बाइक लेना चाहते हैं तो हीरो सुपर स्प्लेंडर एक बहुत ही अच्छा रिलायबल कम्यूटर बाइक है। तो दोस्तों ये था हीरो सुपर स्प्लेंडर का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।